इस बुलेटिन में हम राज्य की और देश की या आपके जीवन से जुड़ी उन खबरों को बहुत ही प्रमुखता के साथ दिखाते हैं जो आपके जीवन से बहुत गहराई तक जुड़ी होती हैं। आप इसके किसी न किसी पहलू से जरूर जुड़े होते हैं और ये आपको प्रभावित भी करती हैं। तो इसी कड़ी में देखिए, सबसे पहले 11 स्पेशल हम शुरू करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लातेहार दौरे से। सोचिए, मुख्यमंत्री लातेहार पहुंचे तो वहां के लोगों के लिए कितने सारे सौगात लेकर गए होंगे। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लातेहार जिले के कोने गांव पहुंचे। यहां उन्होंने एक तरफ जहां कई लोगों को सम्मानित किया, वहीं कई समूहों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया और चेक बांटे। इस मौके पर सीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम पहुंचे लातेहार, कई परिसंपत्तियों और पशुधन का किया वितरण, फूलो जानो योजना और सखी मंडलों को सौंपा चेक। सीएम ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश अन्य राज्यों से बेहतर था, पदाधिकारियों से लाभ पहुंचाने में कोताही न बरतने का निर्देश दिया। आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सीएम कोना गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले शहीद नीलांबर पीताम्बर को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शहीद नीलांबर पीताम्बर के प्रपौत्र को सम्मानित किया, वहीं कई परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। इस मौके पर सीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी बताया। आमतौर पर सरकार को बहुत गालियां सुनने को मिलता है, पदाधिकारी नहीं सुनता, वीडियो नहीं सुनता, सीओ नहीं सुनता, कोई विभाग सहयोग नहीं करता, और ये बात कहीं ना कहीं सारी कागज कलम खाता बही में ही वो सारी योजनाएं खत्म हो जाती। आखिर उस योजना का क्या मतलब जिसका जिसके लिए हम बना रहे हैं उसको उसका लाभ ना मिले? तो हमने पाया कि इसका वजह है कि हमारा झारखंड का जो भौगोलिक क्षेत्र है, हम जैसे रहन सहन हमारा गांव देहात का है, और जिस सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हमारे ग्रामीण किसान राज्य के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की आवाज और निगाहें नहीं पहुंच पाती थी। अपने दौरे के दौरान सीएम ने कामधेनु डेयरी योजना के तहत पशुधन का वितरण किया और कई योजना के लाभुकों के बीच चेक का वितरण किया। इस मौके पर सीएम ने कोरोना के अटकलों के बीच सावधानी बरतने का भी आग्रह किया। न्यूज 11 भारत के लिए लातेहार से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।